नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो बहुत सी देखी होगी। बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी आज किस स्टेज पर खड़ी हो चुकी है और किस स्टेज पर खड़ी होकर उतर चुकी है, यह हम आपको दिखाएंगे। आज का मैं मुद्दा लेकर आई हूँ भाजपा चुनाव समिति के ऊपर। आज भाजपा चुनाव समिति की मीटिंग है जो कि MPCG पर चर्चा होगी। बता दूं कि मोदी ने कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में चार कैटेगरी में बांधा। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक के की गई। दिल्ली नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई है। अगर बात करें सूत्रों की, तो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मीटिंग में पीएम मोदी ने एमपी के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। उधर छत्तीसगढ़ में 90 से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी आज 2 घंटे तक के मंथन होने वाला है। मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और MP भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बता दूं कि छत्तीसगढ़ की ये चार सीटें चार कैटेगरी में बांटा गया है। मीटिंग में छत्तीसगढ़ की 90 सीटें जो है चार कैटेगरी में बांटी गई है, A, B, C और D में बांटा गया है। ए कैटेगरी में वो सीट है जिन्हें भाजपा हर बार जीतता है, और अगर बी कैटेगरी की बात करें तो वो सीट उन पे है जिन पर भाजपा की जीत हार दोनों हुई है, और सी कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जो कि भाजपा की जो सीट है वो जो कि कमज़ोर है, और डी कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जो कि भाजपा जो कि कभी नहीं जीत सकती। मीटिंग बी और सी की 22 और 3 और डी और कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों की अगर बात करें तो फिर से बता दूं कि इस बंटवारे इसमें जो कि कमज़ोर सीटें हैं यानी डी वाली जो कमज़ोर सीटें हैं उसे पार्टी ज़्यादा फोकस दे सकेगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर कई नए उम्मीदवारों का मौका दे सकते हैं। इस बार भाजपा जातियों को पूरी जर्दीह से दे रही है। प्रत्यक्ष चयन में देखा जा रहा है कि वो किस जाति का है या किसी जाति वर्ग का है, उस पर वोटर्स की तादाद कितनी है, अन्य समुदाय से उसकी पकड़ कैसी है, ये सब कुछ आज इस मीटिंग में नोटिस किया जाएगा। भाजपा और अब मजबूत दावेदारों को उन चुनाव की तैयारी शुरू करने जैसे अयंकर संपत्ति वितरण, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल और सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए कहा है। साथ ही साथ सारी जानकारी पुख्ता और दस्तावेज रही है जिसके कारण ही नामांकन पत्र ना हो सकते हैं। अगले टॉपिक में मैं फिर एक नई आग लेकर आऊंगी। तब तक के बने रहिए MNS न्यूज के साथ। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।